अज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे अंब नाल बनने वाली हैं दो तरह दी चटनियाँ, वह भी बिना प्याज तो बहुत ही वधिया ते बहुत ही सौखियाँ। हसते रहो वसते रहो ते मेरे रेसिपीज़ दे वीडियो वेखते रहो जी। जिहड़ियां चटनियाँ मैं अज बनान लगी हाँ ना उन्हां वास्ते मैं इत्थे खूब सारियां हरिया भरिया चीज़ां लईआं ने। यह है एक कच्चा अंब जिन्हों आपां अंबी भी कहने हाँ, यह वजन में 200 ग्राम है, और एक मीडियम साइज़ की धनिए की गुच्छी है, और यह लई है एक शिमला मिर्च, और नाल ही लिया है एक खीरा, और मीडियम साइज़ की पुदीने की एक गुच्छी भी ले रही हाँ, ते नाल ही चार हरिया मिर्चा, लसन दियाँ चार तुरियाँ, ते एक इंच अदरक। इन्हां सब नाल मैं अज दो तरह दियाँ बहुत ही वधिया चटनियाँ बनान लगी हाँ बिना प्याज तो। ते हुण वेखो जी मैं इन्हां सारियां चीज़ां नूं साफ करके चंगी तरह नाल धो भी लिया है, पुदीने दियाँ पत्तियां तोड़ के वखरियां कर लईआं ने, ते जिहड़ियां कूलियां डंडियां ने वह मैं पत्तियां दे नाल ही रहन दित्तियां ने। इसे तरह ही धनिए दियाँ उपर वालियां मोटियां डंडियां तोड़ के कट के वखरियां कर लईआं ने, ते अदरक लसन नूं भी छिल के धो लिया है, मिर्चां दियां डंडियां भी तोड़ के वखरियां कर लईआं ने, ते अंबी नूं छोटे छोटे टुकड़ियां च कट लिया है। इत्थे खीरे नूं छिल के ते दो टुकड़ियां च कट लिया है, ते नाल ही शिमला मिर्च नूं भी दो हिस्सियां च करके ते बी कट दित्ते ने। तो हुण सारियां चीज़ां चटनी बनाउण वास्ते तैयार ने, ते बस हुण एक ग्राइंडर जार लवांगे, ते उहदे विच पावांगे अद्धा धनिया, यानी कि जिन्ना धनिया मैं इत्थे लिया है ना उहदा अद्धा, और अद्धा ही पुदीना लिया है मैं, ते नाल ही कट्टिया होया कच्चा अंब, पर मैं इत्थे अंब अद्धा नहीं लै रही हाँ, अद्धे तो थोड़ा जिहा कट लिया है, क्योंकि इह वाली जिहड़ी चटनी बना रही है ना इह तिखी ते खट्टी चटनी है, ते जेकर आपां अंब ज़्यादा पावांगे ना ते इह ज़्यादा खट्टी जी हो जाएगी। नाल ही इहदे विच दो मिर्चा भी पावांगे, ते जेकर बहुत ज़्यादा तिखी चटनी बनानी है ना तो हरियां मिर्चा वधा के पा लवो। दो लसन दियां तुरियां ते अद्धा अदरक भी इहदे विच पा दित्ता है मैं, ते हुण मैं इहदे विच पा रही हाँ खीरा। इत्थे आपां हरा वाला खीरा भी पा सकदे हाँ, ते नाल ही शिमला मिर्चा भी पा रही हाँ। खीरे और हरियां मिर्चा नूं मैं रफली कट लिया है क्योंकि आपां इहनूं पीसना ही है। ते हुण पावांगे अद्धा छोटा चम्मच भर के काला लूण, चौथा कु चम्मच लूण, लूण तुसीं अपने स्वाद दे मुताबिक पा लवो। जेकर चटनी च लून ते मिर्चा करारे होण ना ते चटनी चटपटी होवे ना ते बहुत ही स्वाद लगदी है। मैं इहदे विच अद्धा छोटा चम्मच भुनिया होया जीरा पाउडर भी पा दिता है। जेकर भुनिया होया जीरा पाउडर ना होवे तां साबत जीरे नूं सुक्का भुन के सारियां चीज़ां दे नाल ही पीस लवो। हुण इहदे विच मैं पा रही हाँ फ्रिज दा ठंडा पानी। ठंडे पानी की जगह तुसीं इहदे विच एक बर्फ़ का टुकड़ा भी पा सकते हो। ठंडा पानी या बर्फ़ पाउण नाल चटनी का रंग बहुत ही वधिया रहिंदा है, हरा हरा बिल्कुल। जेकर ते चटनी सौखी तरह नाल पीसी जाती है ना तां तां पानी पाउण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि सारिआं दे मिक्सियां दे जार वक्रे वक्रे हुंदे ने, कई छेती पीस देंदे ने ते कई थोड़ा टाइम लांदे ने। ते हुण आपां मिक्सी नूं लगातार ना चलांदे होए बंद चालू करदे होए चलाना है, ते थोड़ी देर चलाउण तों बाद बंद करके जार दा ढक्कन खोल के चम्मच नाल इक वारी मिक्स जरूर कर लैणा है। इहदे नाल की होएगा कि पीसन तो बाद चटनी तकरीबन उवें दी लगेगी जिवें कि आपां चटनी नूं कुंडी सोटे या दौरी डंडे विच कुट के बनाने आ, थोड़ी थोड़ी उदां दी लगेगी। ते हुण दोबारा तो मिक्सी नूं बंद चालू करदे होए इहनूं दरदरा जिहा पीस लैणा है। ते पीसन तो बाद हुण मैं तुहानूं विखानी हां कि चटनी दी रंगत वेखो जी बहुत ही वधिया बनी है, लग रही है ना बहुत वधिया। हाँ, नाले एक गल होर कि जेकर तुहाडे मिक्सी दा जार छोटा है ना तो सारे समान नूं एक वारी पहलां किसे भांडे विच इकट्ठा कर लवो, ते फिर दो वार या तीन वार करके थोड़ा थोड़ा करके पीस लवो। ते ए लो जी कच्चे अंब नाल बनन वाली पहली तरह दी तिखी ते खट्टी चटनी तैयार है। पकौड़े और समोसिया नाल मिठी चटनी च मिक्स करके खाओ तो बहुत ही स्वाद लगती है, ते इहनू जेकर पूरी आलू नाल खाधा जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। ते चलो हुण बाकी दे अद्धे बचे समान दे नाल आपां दूसरी तरह दी खट्टी मिठी चटनी बना लैंदे आ। ग्राइंडर जार विच धनिया पा के नाल ही पुदीना भी पा देवांगे, ते नाल ही कट्टिया होया कच्चा अंब। पहली वाली तिखी खट्टी चटनी विच मैं अंब थोड़ा जिहा घट पाया सी, बाकी दा बचिया होया सारा अंब मैं इहदे विच पा दित्ता है। ते हुण नाल ही पावांगे दो हरियां मिर्चा, दो लसन दियां तुरियां ते अदरक, ते नाल ही रफली कट्टिया होया खीरा ते रफली कट्टी हुई शिमला मिर्ची। जदों अंबियां दा मौसम आ जांदा है ना उदों तो इह चटनियां मेरे घर विच तकरीबन रोज़ ही बनदियां रहिंदियां हन। अज ते धनिया पुदीना मिक्स करके एकदम सिंपल चटनियां दी रेसिपी मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ। ते हुण इहदे विच पावांगे एक छोटा चम्मच काला लूण, चौथा कु चम्मच ही अपने स्वाद दे मुताबिक लूण, और अद्धा छोटा चम्मच भुनिया होया जीरा पाउडर। चटनी विच खट्टा टेस्ट तां अंबी नाल आ जाएगा, पर मिठास देण वास्ते पावांगे दो वड्डे चम्मच भर के मिश्री। ते हुण इहदे विच पावांगे दो या तीन वड्डे चम्मच ठंडा पानी या एक बर्फ़ दा टुकड़ा। ਇਹ ਚਟਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਾਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਚਟਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂੜੀ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ।
एक खट्टे तिखे स्वाद वाली और दूसरी खट्टे मिठे स्वाद वाली, दोनों ही चटनियां का जायका एक तो वध के एक है। तुसी इन्हां नूं बना के स्टोर करके फ्रिज विच रख सकते हो, ये काफ़ी दिन तक स्टोर रहिंदियां ने क्योंकि आपां इहदे विच प्याज नहीं पाया है ना, तो बहुत वधिया रहिंदा इन्हां दा स्वाद। इन्हां तुसी बना के रखो तो जदों भी जी करे उदों खाओ। तो तुसी ए सीजन इन्हां चटनियां नूं बनाओ तो बना के अपने खाने विच जरूर शामिल करो। तो नाले प्लीज़ मैनू भी सपोर्ट करो, मेरे चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब करके। धन्यवाद जी।